एक बार चंद्रमुखी मान जाए सुलक्षणा को सुन भाई बनाने के लिए, तो मेरे अमोल का घर बस जाए। परमेश्वरा अन्ना, अरे बाप रे, अच्छा आज नाश्ते में क्या बनाऊं? पहले तू मुझे ये बता घर में क्या क्या है। घर में तो सब कुछ है। सब है तो मैं जो बोलूंगा बनाएगी तू? हाँ अन्ना, रोज वही बनाती हूँ। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ठीक है, तो फिर मिसल बना, मिसल एकदम चटपटा जनजनित। बराबर, लेकिन अन्ना मटर नहीं है मिसल के लिए। अभी मैंने तुझे पूछा कि घर में क्या क्या है, तो बोली ना तू कि सब कुछ है करके। हाँ, बाकी सब कुछ है, सिर्फ मटर नहीं है। मैं इडली बनाऊ? इडली, कांजीपुरम इडली, मस्त अच्छी। लेकिन वो कांचीपुरम इडली बनाने के लिए जो जो भी पदार्थ लगते हैं वो सब है क्या? हाँ हाँ सब है। तो बना कांचीपुरम इडली फाइनल। बराबर, कांचीपुरम इडली। लेकिन अन्ना अभी क्या है? तूने बोला ना कि इडली बनाने के सारे पदार्थ है, तो फिर क्यों बोले लेकिन अन्ना? नहीं अन्ना, इडली तो बन जाएगी, लेकिन सांभर मसाला नहीं है। तो मैं चटनी के साथ खाऊंगा मैं। बराबर, लेकिन अन्ना चटनी बनाने के लिए नारियल भी नहीं है। तो फिर घर में है क्या? सब है, सब बोलती है और फिर लेके नारियल ऐसा करके वापस आ जाती। रोज ऐसा करती है मेरे साथ, रोज ऐसा करती है तू। अभी तो मैं इडली ही खाऊंगा। सांभर नहीं है, चटनी तो खुद चाय के साथ, चाय में डुबो के खाऊंगा। चाय ला करके दे, चाय की पत्ती नहीं है तो मैं पानी ला करके दे, मैं पानी में मिला के खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा इडली खाऊंगा अभी मैं। लेकिन अन्ना अभी क्या है, घर में पानी भी नहीं है। नहीं, पानी है। अच्छे वो निर्मिति ने कांदे पोहे बनाए हैं, उसका क्या करूं? परमेश्वरा, मैं इसका क्या करूं? ऐसा क्यों बनाया तूने इसको? ओ भाई साहब, हाँ निकले नहीं वो लोग? नहीं, चंद्रमुखी और सुलक्षणा ही गई खाली। अरे गाढ़वा तो फोन क्यों नहीं किया? आपने बोला था कि महेंद्र भाई और अभिषेक जाए तो फोन करना, उन दोनों का थोड़े बोला था। अरे बेवकूफ, तो पूछा क्यों नहीं कि जब ऊपर गए तभी दोनों मर्द थे और जब नीचे उतरे तो औरतें? अरे हर बार पूछते हैं, लेकिन वो बोलती है कि दोनों मर्द पलंग के पीछे सो रहे। एक काम कर, ये पकड़, ऊपर जा और देख दोनों है क्या रूम में। और देख ये तू ले और मुझे सारी डिटेल्स बता, वो लोग कौन सी तारीख को चेक इन किए, वापस कब गए, वापस चेक इन कब किया, कब आए कब गए, सब कुछ बता। अरे भाओ, ये कंप्यूटर में सब कुछ है, देख लो आके। आजा। तेईस अगस्त को तो अभिषेक और महेंद्र बाबू दोनों बैंगलोर के लिए निकले थे। मैंने और अभिषेक ने तय किया है कि हम दोनों बैंगलोर की कॉलेज में एडमिशन लेकर वहां 3 महीने का बेकिंग और कन्फेक्शनरी का कोर्स करेंगे। 23 अगस्त के बाद ही चंद्रमुखी और सुलक्षणा दोनों अन्ना के पास काम मांगने आई थी। नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार, आपन कौन? मैं चंद्रमुखी और ये मेरी बहू। नौ सितंबर को इन दोनों ने यहां से चेकआउट किया। अरे देवा, 9 सितंबर को ये तो गायत्री किडनैप हुई थी। ए छोड़ो गोली। ए रुक रे, रुक। गायत्री के किडनैप होने के बाद सुलक्षणा और चंद्रमुखी अचानक गायब हो गई। उसके बाद
आज वो दोनों ने चेक इन किया और कमरे से निकली चंद्रमुखी और सुलक्षणा। ओ केशव, ये तो बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा लोचा। शिंदे बाबू, हाँ, ऊपर रूम में कोई नहीं है, मैंने सब जगह देखा, रूम में दोनों में से कोई भी कहीं नहीं है। ये महेंद्र भाव और अभिषेक की चंद्रमुखी और सुलक्षणा तो नहीं है? नहीं नहीं केशव, इस तरह सीधे नतीजे पे आ जाना ठीक नहीं होगा, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे। तो सबूत हाँ तो बोलिए अन्ना साहब, ऐसी क्या बात है जो आपने तुरंत मिलने का बुलावा भेजा? ओ बात दरअसल ये है ना चंद्रमुखी। अन्ना, अमोल आ गया। अमोल, अमोल क्या कर रहा है तू? उसको नहीं, छोटी है तेरे से, छोटी है ना? नहीं नहीं अन्ना साहब, बड़ी है अमोल से, शायद 2-4 साल बड़ी है मेरी सुन भाई। आहो, ये तो बड़ी है उम्र में। अरे बड़ी है तो क्या, हम लोग क्या बड़े छोटे के भेदभाव करने वाले 40 के दशक के लोग हैं क्या? है कि नहीं चंद्रमुखी, बोलो। हाँ नहीं, बात सही है अन्ना साहब, लेकिन बात जब रिश्ते की हो तो तुमको कैसे पता चला कि रिश्ते की बात करनी है मुझे? नहीं, दरअसल मैं सुलक्षणा के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। मैं भी सुलक्षणा के रिश्ते की ही बात कर रहा था, यही तो बात है। ओह, मुझे यही बताना था कि मैं चाहता हूं कि सुलक्षणा मेरी सुनबाई बने, अमोल की और सुलक्षणा की शादी करवा देते तो। मैं अमोल। अमोल? नहीं मैडम, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, अभी तो कहां पे बस। तू चंद्रमुखी, मेरी तो अर्जी है, अभी तुम अपनी मर्जी दे दो तो बात बन जाए। अरे ये क्या कह दिया आपने अन्ना साहब, आपकी अर्जी तो मेरे लिए हुकुम है। देखा देखा, मैंने बोला था ना, चंद्रमुखी मेरे कोई भी बात टाल नहीं सकती। शाबाश, चलो तो फिर रिश्ता पक्का। ये जो छे ना, मैं मिठाई लेके आ, मुंह मीठा करा सबका, जा जा। अरे एक मिनट सोचना था, अन्ना साहब रुकिए जरा 2 मिनट। माफ करना अन्ना साहब, लेकिन आपकी इस अर्जी को मैं हुक्म नहीं बना पाऊंगी। आपकी इस अर्जी को मैं हुक्म नहीं बना सकती, क्योंकि आपने अर्जी करने में थोड़ी देर कर दी। वो 2 दिन पहले ही मैंने सुलक्षणा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। हाँ हाँ, कहीं और? हाँ, वो एक किसान है और जवान भी हैं। जय जवान जय किसान, पतंगराव नाम है उनका, और उम्र में सुलक्षणा के बराबर हैं। पारंपरिक पद्धति से खेती करते हैं वो। अब 2 दिन पहले वो उनका रिश्ता आया और सुलक्षणा को भी वो अच्छे लगे। एक मिनट, मतलब सुलक्षणा देवी उनसे मिल चुकी है? नहीं, फोटो देखी थी उनकी, तो पसंद आए तो हमने हाँ कह दिया। अन्ना, अन्ना, अब मेरा क्या होगा? अरे 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 अरे, मेरा क्या होगा? अब बोल बड़ा, अब अरे अरे, सोच सोच, मेरा क्या होगा अन्ना? होगा कुछ, चुप रह। चंद्रमुखी ताई, मैं क्या बनतो? फोटो तो होगी ना आपके पास उसकी? हाँ है ना,
दिखाइए अन्ना को देखनी। हाँ मेरे मोबाइल में है, दिखाती हूँ। किसका फोटो दिखाऊं किसका दिखाऊं? अरे हाँ ये होटल मैनेजर को कोई नहीं पहचानता होगा, किसका दिखा देता हूँ। ये रही अन्ना साहब, ये देखिए, ये है पतंग राव, सुलक्षणा के होने वाले पति। ये तो होटल का मैनेजर शिंदे ही है। मैंने बोला था दाढ़ी बना दाढ़ी बना। अरे बाप रे, अपना नंबर स्विच ऑफ करके रखना कैसे भूल गया मैं, मर गए। सुलक्षणा देवी के पास भी मोबाइल है अन्ना? नहीं मतलब अन्ना के पास सिर्फ चंद्रमुखी ताई का ही नंबर था ना। हाँ तो पहले नहीं था सुलक्षणा के पास फोन, पतंग राव ने दिलवाया है। हाँ उनका ही फोन होगा। हाँ सुलक्षणा सबके सामने नहीं, ऊपर जाके बात कर जा। इश हेलो। इतनी दबी आवाज में बात क्यों कर रहे हो अभिषेक, क्या हुआ? बिस्किट? अरे हेलो, मैं अमोल, अमोल अमोल गोखले। देखो पतंग राव, सुलक्षणा से ना मुझे शादी करनी है, तो तुम शादी मत करो। अगर तुमने शादी की ना तो मैं यहाँ ऊपर वाड़े में हूँ, मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो अमोल तेरा पे भरोसा मत करना, वो कुछ भी बोलते हैं। हेलो हेलो सॉरी अभिषेक, वो बिस्किट बाहर भाग गया था ना, तो उसके पीछे पीछे मुझे भी भागना पड़ा। मतलब तुमने कुछ सुना नहीं? क्यों तुमने मुझे सुनना चाहिए ऐसा कुछ कह दिया था क्या? मैं ये कह रहा था कि मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। अरे कमाल है ये अभिषेक को, हो क्या क्या नाराज है लगता है। कोई बात नहीं बाद में फोन करती। सुलक्षणा, सुलक्षणा, तुम शादी के लिए ना बोल दो ना, और तुम ना तुम मुझसे शादी कर लो। वो दिगंबर है ना दिगंबर, वो मुझ पे हंसता है मालूम, और मुझे भी सत्यनारायण की पूजा में बैठना है, मुझे भी अभिषेक की तरह जुई बेटे खेलना है। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? आप बहुत अच्छे हो, लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अरे सुलक्षणा, मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ बोल दो ना। क्या हुआ अगर हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा? हो सकता है महेंद्र बाबू के पास जो रिश्ता है वो जुड़ जाए हमारे अमोल के साथ, तो आप भी आपका मुंह मीठा कर लीजिएगा। अन्ना फोन लगाइए। लग गया फोन, लग गया लग गया। घंटी जा रही है, जा रही है। मुझे घंटी आ रही है। ओ पतंग राव के पिताजी पवन राव का फोन होगा, और शादी की तारीख तय करनी है ना, मैं चलती हूँ। संभल की जाने चंद्रमुखी। ये महेंद्र बाबू फोन नहीं उठा रहे। उठाएंगे अभी, उठाएंगे अभी, अभी गई है ना चंद्रमुखी ताई, अभी उठाएंगे। मतलब क्या है तेरा केशव? सस गर्ल मेरा फोन काट दिया, बिंदास मेरा फोन काट दिया। ये गुजराती लोग ना सुधरेंगे नहीं। कोई जवाब नहीं सूझा होगा ना। अरे बाप रे, पप्पा तो सटक गए, मुझे भी जाना होगा। अन्ना साहब मैं भी जाती हूँ। नहीं सुलक्षणा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमोल छोड़ दिला, जाने दे उसे। नहीं छोड़ो ना। बोला ना छोड़, जाने दे। Thank you.
अन्ना आपको क्या लगता है ये दोनों इस तरह क्यों भागी होंगी? अरे होगा कुछ कुछ नहीं अन्ना, बहुत कुछ है अन्ना, मुझे सुलक्षणा से शादी करनी है, कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ बड़ा शांत हो जा तू, मैं करता हूँ तेरे लिए कुछ बंदोबस्त। आओ थांबा तुम्हें, अमोल तू नीचे आ, मैं तुझे नारियल के लड्डू दूंगी। हाँ नारियल के लड्डू? हाँ मस्त। लेकिन मेरी शादी? वो बाद में, पहले लड्डू खाएगा ना। आजा किचन में आजा। हाँ चल जल्दी आता हूँ। हाँ प्रभाकर ये क्या हो गया, थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था मुझे इस रिश्ते के बारे में। रिश्ता टूट जाता है क्योंकि बात बोलते नहीं हम जल्दी। समोसा ठंडा हो जाता है क्योंकि पैकेट खोलते नहीं हम जल्दी। तो टूटा रिश्ता, ठंडा समोसा एक हुए, मकान की किस्त और काला भैंसा एक हुए। पापा ये क्या किया आपने? मैं गलती करता हूं तो हर बार डांटे, लेकिन आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। आप फोन चालू रख के बैठे थे। नहीं नहीं अन्ना को शक नहीं हुआ, लेकिन केशव दादा जिस नजर से देख रहे थे ना, मुझे लगता है शायद उन्हें शक हुआ है कि ये सारा खेल हम दोनों का ही है। वाह बेटा, केशव मेरा नाम है लेकिन लीला ये दोनों कर रहे हैं, बहुत ना इंसाफी है। अभी जाके दोनों की साड़ी लीला खत्म करता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रुक जा केशव, वस्त्र हरण तो भरी सभा में ही होना चाहिए। बहुत खेल लिया इन दोनों ने, चंद्रमुखी सुलक्षणा, चंद्रमुखी सुलक्षणा। अब मैं खेलूंगा, बिल्ली जैसे डरे और सहमे हुए चूहे के साथ खेलती है ना, ऐसे मैं खेलूंगा, तभी तो मजा आएगा।